हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरी मम्मी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हैं आज का, और वो आप लोगों से हाय बोल रही हैं। मम्मी अभी किचन में बना रही हैं अभी चाय, और मैंने कैमरा लगा दिया था तो आप लोग आज मम्मी की ब्लॉगिंग भी देख लीजिए। एंड एक साइड में अभी कुछ बनाना है प्रेशर कुकर में तो, और आटा भी अभी गूंथ चुका है तो रोटी भी बनाना है, तो सारा काम मॉर्निंग टाइम में किचन में स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर आज मैं चने की दाल बनाने जा रही हूँ, जो तड़का बोलते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत दिनों बाद मैं बना भी रही हूँ। तो इसके लिए चने की दाल को मम्मी ने ही शौक कर दिया था मॉर्निंग टाइम में, जब वो उठी थी। मैं तो थोड़ा लेट उठती हूँ यहाँ पे, मम्मी उठती तो उसको शौक करके छोड़ दी थी, तो फिर इस टाइम अच्छे से वो फूल भी किया है। और एक साइड में चाय और दूसरी साइड में वो मैं बनाने जा रही हूँ, और उसके लिए प्याज वगैरह भी सब कट करना है। और पापा के नाश्ता का करने का टाइम हो गया था, तो इसी वजह से मैं सोची कि पहले रोटी बना लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं उस दाल को बनाऊँगी, और सब्जी भी बन चुकी है। तो बस सुबह मैंने ना, ये 9:30 बजे के आसपास का टाइम था, रोटी मैंने अभी फाइनली बना लिया है और उसके बाद ये वाली दाल बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज मैं कट कर ली हूँ, और मिर्ची ली हूँ, हरी मिर्ची 2 से 3, 3 से ज़्यादा तो मैं कभी भी सब्ज़ी में यहाँ पे नहीं डालती हूँ, और वहाँ तो 2 ही डालती हूँ। तो यहाँ पे तेज पत्ता डालती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी मैं दालचीनी डालूँगी, लौंग डालूँगी, छोटी इलायची डालूँगी, बड़ी इलायची डालूँगी, क्योंकि ये सारे चीज़ें अगर नहीं डालते हैं तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है इस दाल में, और इन सबों की वजह से ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर अभी मैंने डाल दिया, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, क्योंकि मेरे घर में यहाँ भी मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनता है, और वहाँ भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल दी है, और जब मिर्ची डाली ना, बहुत ही तेज़ का छींटा आया, और ये मेरे साथ अक्सर होता है, मैं आप लोग को बताई हूँ, कई बार मेरा हाथ जल गया है। तो यहाँ पे प्याज भूनने के बाद, उसके बाद जब थोड़ा सा भून जाएगा, देन मैं इसमें टमाटर को ऐड करूँगी। अभी मैंने टमाटर कट नहीं किया है, लेकिन अब मैं उसको कट करके और फिर मैं डालूँगी। और यहाँ पे स्पर्श खड़ा होकर देख रहा था, जब भी किचन में कुछ भी बनता है वो ज़रूर आता है एक बार देखने के लिए, चेक करने के लिए कि उसको आज क्या मिलने वाला है नाश्ते में और खाने में। तो काफ़ी देर तक वो यहाँ पे खड़ा था, और यहाँ देखिए प्याज टमाटर सब कुछ सॉफ्ट हो चुका है अच्छे से। मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल दी, क्योंकि टमाटर डालने के बाद जब नमक डालो तो थोड़ा सा पकने का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, सो यहाँ पर मैंने डाल दिया, और काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। देन मैं इसमें मसाला भी ऐड कर दी हूँ, बेसिक मसाले वहीं, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इससे ज़्यादा कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला है। धनिया पाउडर अपना डालोगे, स्किप भी कर दोगे तो भी सही है। तो यहाँ पे मैं दाल डाल दी हूँ, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दी हूँ पानी, उसके बाद ये लड्डू में इसको डालते हैं, या फिर कोई भी रेसिपी बनाते हैं स्वीट डिश तो उसमें इसको हम डालते हैं। तो वहीं धूप में सुखाना था, मम्मी एक्चुअली इसको डब्बे से निकाली हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ये सारी चीज़ें सुखानी पड़ती है, नहीं तो ये ख़राब होने लगते हैं, तो वही मैं चेक कर रही थी। तो इसको धूप में रख देंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, सुखाने के बाद फिर कंटेनर में रख दो तो ये अच्छा रहता है, नहीं तो बीच बीच में फिर ये इसमें ना दाने दाने से फिर ख़राब होने लगते हैं। तो वही मैं इसको चेक कर रही थी। और यहाँ पे मम्मी नहा के आई हूँ, उसके बाद जो डेली का होता है मेकअप या फिर तैयार होना बोल लो, वो हो रही थी अभी। और यहाँ पे स्पर्श को मिल गया है चोकोपाई, और चोकोपाई खाते खाते भी वो रो रहा है, क्योंकि उसको बहुत सारा चाहिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग को मॉर्निंग में स्टार्ट कर दी थी, जब सभी मैंने नहाई, और ये देखिए ये मैंने 3 बैंगल्स आज डाले हैं, और तीनों डिफरेंट मैंने डाला है, और सोची कि चलो इस टाइम से कंटिन्यू करती हूँ। 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, अभी मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि आजकल मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट जाते हैं, तो वो बस कुछ दिनों का है, उसके बाद टाइमली जाएंगे, आपको मिला करेंगे ब्लॉग्स। तो अभी मुझे वीडियो एडिट करना है, चलिए फिर अभी चलते हैं बाहर। मम्मी को कहीं जाना है, मम्मी अभी नहाई, तो उनको पूजा में जाना है, तो उनको भी रेडी होना है, लेकिन अभी पापा बाहर सोए हुए हैं। एक्चुअली पापा को क्या हुआ है आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि दी आपके पापा ठीक है ना, अभी ठीक है। एक्चुअली वो गए हुए थे पटना, पटना से वापस आ गए हैं, 4-5 दिन वहाँ पे थे, पूरी चेकअप हुई है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है इस टाइम पे मैं आपको आगे ब्लॉग्स में बताऊँगी, आराम से बैठ के बताऊँगी। चलिए बाद में मिलते हैं। स्पर्श को बनाना दी थी खाने के लिए, तो वो अभी खाया है। चलो झूला पे चलते हैं, चलो चलो झूला पे चलते हैं। स्पर्श अभी बनाना खाया क्योंकि बहुत देर से ना ये रो रहा था, और अभी मैं एक वीडियो शूट की तो ये वाली कुर्ती मैं वेयर की थी। वीडियो आपको 2-3 दिन बाद मिलेगी। वो गोभी है, सूख गया। ये सूखने के बाद ना मम्मी इसको बनाती है। लहसुन है यहाँ पे, वो तरबूज का बीज है, एंड यहाँ पे चने डाली हुई हैं। बस अभी दोपहर 3 बज चुके हैं और वीडियो शूट की मम्मी अभी गई हैं शिव चर्चा। बहुत लोगों को पता होगा शिव चर्चा के बारे में, तो इस साइड में होता है, तो मम्मी गई हैं वहीं पे। और अभी लंच मैं कर ली हूँ, करके जस्ट अभी आई हूँ। और दो वीडियो आज मैंने बनाया है, और थोड़ा सा मैंने मेकअप भी किया था। धूप नहीं है यहाँ पे, लेकिन गर्मी गर्मी अब हो रही है। और एक बात की मैं पापा के बारे में बता दूँ कि पापा को क्या प्रॉब्लम है। तो पापा की तबीयत कुछ टाइम से ख़राब चल रही है, एक्चुअली ससुराल में थी उसी टाइम से ख़राब चल रही है पापा की तबीयत। वो लीवर काफ़ी ज़्यादा फैटी हो गया है, ये प्रॉब्लम है। साथ ही साथ उनके यहाँ का जो कान के पास जो नस होता है वो दब गया है, उसमें जो फ्लूइड बनता है ना फ्लूइड नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से हमेशा चक्कर आ रहा है। तो हम यही सोचे थे कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, तब नहीं जाएं क्योंकि कभी भी चक्कर आके गिर सकता है। और मेडिसिन चल रही है अभी, काफ़ी लंबी मेडिसिन चलेगी उसकी, लेकिन जब भी पापा सोए होते हैं, मतलब सोए हैं उस टाइम भी चक्कर आने लगेगा, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ घूम रहा है, और मतलब चक्कर आके गिर भी सकते हैं, ऐसा हो गया है। तो यही चीज़ ना काफ़ी टाइम से पापा को फील हो रहा था, और थोड़ा सा वोमिटिंग, जब भी चक्कर आएगा तो थोड़ा सा मतलब इस टाइप से है। तो जाते थे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, और खाने में काफ़ी ज़्यादा परहेज है। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ बहुत ही सिंपल खाना बनता है, मतलब अगर हमारे लिए कभी कुछ बन भी गया ना हम लोग खा लिए, लेकिन पापा के लिए चोखा बनता है, आलू का चोखा या फिर तोरी का चोखा, मतलब जिसको नेनुआ या फिर नेनुआ बोलते हैं उसका चोखा बनता है, चटनी बनता है, और वो भी बस हरी मिर्च, एक बूंद भी तेल नहीं पड़ता है पापा के खाने में। अगर जब पटना जाना था उस टाइम पे पता है मम्मी ने कैसे सब्ज़ी बनाई थी, आलू बॉईल करके और कढ़ाई में एक बूंद भी तेल नहीं, उसमें बस प्याज डाल के, नमक डाल के और थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के भूनी थी, उसमें ही मसाला पकाया गया था, मतलब ना तेल एक बूंद भी नहीं। सोचो मतलब खाना वो कैसा लग रहा है। मैंने थोड़ा सा खाया था, नहीं खाया गया, लेकिन पापा वही होता है ना जब किसी के ऊपर आती है तो वो खाना पड़ता है, तो इस तरीके से पापा खाना खा रहे हैं। इतना भी नहीं, चोखा भी बनता है ना उसमें इतना भी तेल नहीं, पानी डाल के और उसको सॉफ्ट किया जाता है आलू को, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, खाने में अच्छा लगे, क्योंकि फिर ऐसे चोखा भी बनाओ तो हार्ड हार्ड सा वो मतलब ठीक नहीं लगता है। तो जब ऐसा कुछ होता है ना तो इंसान को सच में पता है चेंज होना पड़ता ही है। तो यहीं सब पापा की प्रॉब्लम चल रही है। अभी मैं यहाँ पे रहने वाली हूँ, और अभी मैं रहूँगी, काफ़ी टाइम तक रहने वाली हूँ मैं यहीं पे। तो आगे आप लोगों को पता भी चल जाएगा, जब मैं चंडीगढ़ जाऊँगी तो मैं बता दूँगी उससे पहले के ब्लॉग्स में। यहाँ पर मैं झूला झूल रही हूँ, मम्मी पता नहीं कब आएगी, और चलिए बाद में मिलती हूँ। उसके बाद मम्मी अभी पूजा से आ गई थी और प्रसाद लेके आई थी, वो हम लोग खाए थे। और ये शाम का टाइम था, 6:30-7 बजे के आसपास का कुछ टाइम था। और अभी ब्रेड पकौड़े और समोसे आए हैं, और ये अक्सर आप लोग देखते होंगे ब्लॉग्स में, हफ्ते में तो एक दिन आ ही जाता है, और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी। स्पेशली इसकी चटनी बहुत टेस्टी लगती है, जो हरी मिर्ची लहसुन वगैरह का कुछ फ्लेवर इसमें रहता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर पापा नहीं खाएँगे, बस हम लोग ही खाने वाले हैं, स्पर्श, मैं, मम्मी और भाई, ये 4 लोग खाने वाले हैं। तो इतनी क्वांटिटी में ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं आता है, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा जब भी आता है ना वो फिर वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग शाम का नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। अभी स्पर्श हैप्पी हैप्पी, इतना सारा कलर मिल गया है स्पर्श को, है ना स्पर्श, एकदम खुश है। जब कलर मिला ना तो ये मम्मी को जाके किशू कर रहा था, मुझे कर रहा था कि मुझे कलर मिल गया, क्योंकि ये सुबह से मांग रहा है, अभी तक इसको कलर नहीं दिया गया था। रात के आई थिंक 8 बज गए हैं। जा रही हूँ मैं अभी किचन में, वैसे दोपहर में दाल, चने वाली दाल बनी थी, तो वो है, मतलब दाल फ्राई बनी थी तो वो है, और हाँ तोरी की भी सब्जी है, लेकिन अभी भाई ने बोला कि थोड़ा सा आलू की ड्राई वाली सब्जी बनाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ 3-4 आलू का वो बना देती हूँ, और फिर रोटी बनाना है, आटा गूंथ के रख दिया गया है, तो बस वही खाना बनाना है। और आज का ब्लॉग पता नहीं मैंने कितना बनाया है, याद भी नहीं। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो मैं इसको कल फिर से इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ।
और एक साइड में मैंने आलू को छौंक दिया है और दूसरी साइड गैस पे मैं बनाने जा रही हूँ अभी रोटी। और इस बीच में स्पर्श बीच बीच में आके जब उसको सबसे ज़्यादा उसकी फेवरेट सब्ज़ी जो है ना यही सब्ज़ी है और वो जब भी ये बनता है तो बहुत ही खुश जाता है। अभी मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, वो मेरे पास बैठा हुआ है तो भी बड़ा स्माइल कर रहा है वो सब्ज़ी देख देख के, तो मुझे अभी भी बहुत हंसी आ रही है। तो बस रोटी बनाने के बाद और भी जो थोड़ा सा काम है निपटाना है वो बस हो जाएगा, ज़्यादा कुछ तो काम नहीं होता है, बस यही खाना में ही। कई बार तो मम्मी सब्जी बना देती है, मुझे कभी कभी रोटी बस बनाना होता है। तो यहाँ पे फिर से मैं रूम में आ गई हूँ और जो इस पर्स को कलर दी थी उसने थोड़ा सा कलर किया, ड्राइंग किया एंड उसके बाद में इसको बंद करके और अब भी रख दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्पर्स बैठा हुआ था पापा से बात करने के लिए, काफ़ी सैड था। तो फिर मैं बोली कि मैं वीडियो कॉलिंग करती हूँ और वो पापा से अपने बस वीडियो कॉल पे ही बात करना चाहता है। अगर वो ऐसे कॉल पे बात करेगा ना, नहीं करता है, बहुत ही कम करता है। तो फिर मैंने यहाँ पे वीडियो कॉल किया और शाम का टाइम था तो ये भी ऑफिस से आ चुके थे और शाम को ही बात होती है, नहीं तो दोपहर में कभी एक बार हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को भी मिलवा देती हूँ, इनसे काफ़ी दिनों बाद ये भी ब्लॉग में आए। और एक्चुअली कैमरा ऑन था तो मैंने दिखा दिया और स्पर्श बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है और काफ़ी देर तक, कम से कम ये आधे घंटे से ज़्यादा 45 मिनट तक ये बात किया था वीडियो कॉल पे। लेकिन वीडियो कॉल पे जब भी बात करता है मेरे को भी यहाँ रहना पड़ता है, इसलिए कई बार इसने मोबाइल ना अपना दूसरा कुछ स्टार्ट कर देता है, यूट्यूब खोलता है, वीडियो कॉल वैसे चलता रहता है और ये यूट्यूब खोलने लगता है। तो इसी वजह से मैं भी इस टाइम पर फ्री थी, कोई काम नहीं था। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप इस स्पर्श की खुशी देख रहे हैं, कितना ज़्यादा खुश है, बहुत ही खुश होता है जब ये पापा से बात करता है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।